अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम द स्पिरिट स्वागत माया होश मोहम्मद। अज जे शख्स से अवां जी मुलाकात कर रहा हूं, उवे सियासत बिलखुसूस नौजवानन में एक मकाम ए एक नालो रखन दा। पान कंसल्टेंट आहिन चीफ मिनिस्टर जा फॉर बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ए उनसा गड गड पीपल्स यूथ या कोऑर्डिनेटर आहिन। अस्सलाम वालेकुम आजिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आजिज, एक तखल्लुस है, तहा जो असल नालो छ है? डेफिनेटली आज इस तखलुस जी आज इंकशाफ कराया तो ऑन कैमरा तो मुझे नालो मुख्तियार अहमद तखलुस तौर ते तकरीबन पाजी पॉलिटिक्स जो स्टार्ट वरतो उन टाइम थोड़ी नंढड़ी नंढड़ी सिखड़ाट शायरी तौर ते वो शायरी फील्ड डाढ़ी टफ हुई बेसिकली फैमिली वाइज सियासत जो असो रस्ते की चूंड थियल हुई तो मुझी थर्ड जनरेशन आए पीपल्स पार्टी में सियासी सफ़र शुरू किया इन ही तखलुस से गुड तखलुस यो रखने जो जो मेन सबब हो वो यो हो आजिज़ी बुनियादी तौर पर मुझे पसंदीदा एक वर्ड है जैसे मानू पांजो पान ते नालो रखे तो आजिज़ी जो तो कोशिश थे थी तो बिन नेगेटिव शयन का मानू पासो करे छोजे अमलन के करे मानू नेगेटिव हो नालो आजिज़ हो तो किथे न किथे शर्मिंदगी मानू के महसूस थी इन कर कोशिश कई तो नाले जो जो को असर वो होन खपे नाले जो एहतराम कंदे भी मानू पॉजिटिव रस्ते ते हली सके तो सो इन कर यो तखलुस संगे फैमिली मा मिलियो दोस्तन मा मिलियो न मुझो दोस्तो मुझो सीनियर दोस्त आजिज मंगी सांगड़ में अदबी संगत जो डाडो सुठो सा दोस्त है असानी बरसा गोठ शापट चाकर जो मकसूद रिंद जो उनके आदत होंगी असो नंढे होंदे मेडिकल स्टोर होंगे असा उत वेठा हूँ तो तहरीक के टाइम 86-83 की जी एम आर डी बहाली की तहरीक होंगी उनमें वो बुक्स अच्छी मुख्य दई वो चवन तो यार हि बुक पढ़ जाए वही 8 तटंदस या कुछ सुस्तियों या कुछ सारी फैमिली जेल में होंगी थोड़ा घर की लुक आफ्टर एज भी नंढी हुई तो उन में ब या टे पेज में पढ़ंदस वो पाँच किताब वापस वी बो किताब मुख्य दई वो इन करे बुक में या टे पेज पढ़ी सकस उनकी जी सियासी वर्कर भी हो पाँच आते पर सहाफ़ी घो हो उनकी माना तबियत एडो सुठो मू हो उनके ऐसी मुझे यार आजिज़ थी पवान सफर के हलो अच्छा तुम अमली तौर पर सियासत शुरुआत कदम कई अठे क्लास में पढ़ंदस 86 में उन टाइम सपाफ जो सूबाई सदर फकीर इकबाल सुबाने शहीद थी चुको ज़िया गवर्नमेंट हुई उन रिएक्शन में अस जुलूस कड़ो शाहपुर चाकर हाई स्कूल में सपाफ जो बुनियाद विधोस पे यूनिट जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थियोस 1986 में फकीर की शहादत से पुलिस तशद्दुद कियो असते अंदर एक रिएक्शन पैदा थो तो आखिर पुलिस मारे छो थी अस जुलूस कड़ो पुलिस लठियों हणी मुझे वो ब्रादर उनके बेहोश कर छो काफ़ी वर्कर बेहोश थी वाले ज़िया गवर्नमेंट तो उन रिएक्शन असंके हूँ तो फैमिली वाइज मतलब सियासी फैमिली आए काजी मोहम्मद वश धामरा मुझे डाडो आ शहीद उल्फ़ कारली भुट्टो की टीम में फ्रंट रो में रहो मू उन मुझे बुनियादी तौर पर एक्टिविटी हुई वो 86 में उन पुलिस की बिन लठिन हेस तक सियासी तौर पर आंद अच्छा अजय सामरा साहब जै मकसद से सियासत में आया वो मकसद समझे हासिल कर सियासत में कदें भी मकसद हासिल को समझा तो इंसान की जेस तीन हयाती है सियासत इबादत जो नालो है इबादत जो पेशो है उनकी टाइम लिमिट होंगी को कदें मू जेस तीन जिंदगी हुए थी पाँ पीरसनी में जैसे को मू बिस्तरे पे कें मू के बिन सुन लफ्जन जे तौर ते को सुठो कम कराए वे तो वह खिदमत है सियासत में टारगेट हुंदा ही कोनन के सियासत में टारगेट यो है पावर पॉलिटिक्स करूं पे पार्लियामेंट असि सियासत जो है हिस्सो उनमें कदें पार्टी इकतदार में अचे थी कदें पार्टी अपोजिशन में वे थी पर बिन्हीं सूरत में मानून की खिदमत सियासी मानू बिजी लाइफ आ 24 कलाक बिजी लाइफ आ मानून की सो ये पेशो आ जैसे मानू पा चूंड करे तो जो बाजार ढो छठ छांगर वो हों स्टेज से वेहूँ था मूँ ताड़ी हणन था वाह 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 थे थी नारा लगन था मूँ समझा मुआशरे जहाँ वा मून पर उनका वो लाइफ आ सियासी मूँ की तमाम टफ लाइफ होंगी है पाकिस्तान में जो खोड़ सियासी पार्टियां तहां पीपल्स पार्टी जॉइन के इन खास सबब मोर्च कर मतलब थर्ड जनरेशन आई पीपल्स पार्टी की यो जरूरी भी न होने खपे तो जो मुझे डाडो या मुझे फादर
कंहिं पार्टी में आहिनि त मूंखे बि उहा पार्टी रखणु खपे. माण्हुनि खे मज़हब इलाही इजाज़त थो ॾिए त तव्हां मज़हबनि माण्हू मज़हब अॻिते हली चेंज करे विझंदा आहिनि, पंहिंजो तब्दील करे विझंदा आहिनि. त पीपल्स पार्टी ऐं सम्झां थो हर माण्हू हर पार्टी क़ाबिल एतिराम आहे, हर सियासी धुर क़ाबिल एतिराम आहे. उन्हनि जा मैनिफेस्टो आहिनि, उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी स्ट्रगल आहे. नज़रियाती तौर ते पीपल्स पार्टी खे इन करे त पीपल्स पार्टी पावर पॉलिटिक्स में हुकूमत में अचे थी माण्हुनि जी, ऐं हिन ख़िते में पाकिस्तान जे अंदरि बल्कि एशिया जे अंदरि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं संदसि ख़ानदान जी जेका क़ुर्बानी आहे, मां सम्झां थो त पाण खे टाइम इजाज़त ई कोन ॾींदो त असां हुन तफ़सील में हलिया वञूं. बल्कि लीडरशिप जॾहिं पाण क़ुर्बानी ॾिए तॾहिं माण्हू खे सिविल सोसाइटी ऐं कारकुन खे हिकिड़ो जज़्बो पैदा थींदो आहे ऐं अट्रेक्शन पैदा थींदी आहे. त जेकॾहिं आउं रोड ते पार्टी जे करे ॾह लठियूं खाई सघां थो त उन खां इलाही गुना वधीक लीडरशिप फासियुनि जा फंदा जेके अचानक कोन घिचिन में विधा विया. बिल्कुलु ऑफर ॾिनी वई त तव्हां जेकॾहिं कंहिं पेपर ते साइन कयो तव्हांजी जान बची वञे, जेकॾहिं तव्हां न कंदो त फासी इहो फंदो आहे. ऐं लीडरशिप इहो चए त मूंखे सिर्फ़ु शेव करणु ॾियो, हीअ दुनिया ख़ूबसूरत आहे, ऐं ख़ूबसूरती अंदाज़ में दुनिया छॾणु चाहियां थो हिन माण्हुनि जे लाइ, हिन मुल्क लाइ, हिन मैनिफेस्टो लाइ, हिन पार्टी लाइ. त लीडरशिप जी जेका क़ुर्बानी आहे, भुट्टो फैमिली जी जेका कमिटमेंट आहे माण्हुनि सां जेका, उहा असांखे जेको आहे वधीक अट्रेक्शन पैदा करे थी त असीं पीपल्स पार्टी में हुजूं. ऐं हीअ वाहिद पार्टी आहे जंहिंजा माण्हू पीपल्स पार्टी ते पॉलिसियुनि ते तनक़ीद करण जे लाइ अख़बारुनि में बयानु ॾींदा आहिनि, पर हुननि जे ख़िलाफ़ मुलाक़ातूं नंढे हूंदे अनऑफिशियली मतिलबु जलसनि में ॾिठोसीं. ऐं मतिलबु इहो बि इंकशाफ़ करियां थे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बानी चेयरमैन आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, पर मुंहिंजी पर्सनली जेका अटैचमेंट ऐं जेका पसंदीदा शख़्सियत आहे उहा शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आहे. हुनजी शख़्सियत जो सहर मूंखे कंटिन्यू सियासी माण्हू करण में हुनमें वॾो हथु आहे. पहिरीं बाज़ाबता मुलाक़ात जेका वन टू वन मुलाक़ात हुजे, असांजो मौक़ुफ़ु ॿुधी सघे, पंहिंजो मौक़ुफ़ु ॿुधाए सघे. ऐं सपा जो सूबाई राबता सेक्रेटरी, हिन सिंध यूनिवर्सिटी आई आर डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट हुयुसि. 11 नवंबर 1998 ते नवाब शाह जे अंदरि 10 मिंटनि जो असांखे टाइम हो, पर उहा मुलाक़ात असांजी 40 मिंटनि ताईं हली ऐं हेतिरो गैप हुयो बीबी सोफे ते वेठी.